नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं व प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक माध्यम से करवाए जाएंगे। पहले 1 जून से होने वाले थे, अब उनको 7 जून से करवाया जाएगा। और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं यानी फाइनल को छोड़ करके उन्हें दोस्तों है वो प्रमोट किया जाएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। यह आप देख सकते हैं दोस्तों, कल रात को ये अपडेट आई है। यह आप देख सकते हैं, DU में अब सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम, बाकी के नहीं। दोस्तों, जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें भी दोस्तों ये न्यूज़ दे दी गई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। यह आप देखिए, कोविड को देखते हुए रेगुलर स्कूलर ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अब सालाना एग्जाम नहीं देना होगा। DU के डीन एग्जामिनेशंस प्रोफेसर DS रावत ने बताया, यह फैसला लिया गया है कि फाइनल ईयर के एग्जाम भी है वो 1 जून से नहीं अब 7 जून से है वो शुरू किए जाएंगे। यह आप देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सिर्फ फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, बाकी ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं देने होंगे। कोविड-19 से बिगड़े हालात को देखते हुए यह फैसला किया गया है। साथ ही DU ने फाइनल ईयर एग्ज़ाम को 1 हफ्ता और पोस्टपोन किया है। एग्ज़ाम 1 जून के बजाय 7 जून से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में जाने के लिए एग्ज़ाम नहीं देना होगा, बल्कि असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन के आधार पर है वो उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह फैसला बुधवार को अपनी जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है उसमें लिया है। जल्दी इसका दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। यह आप देख सकते हैं, 7 जून से ओपन बुक एग्जामिनेशन, बाकी के लिए असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन। कोविड को देखते हुए रेगुलर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अब सालाना एग्जाम नहीं देना है। जो प्रोफेसर DS रावत है उन्होंने बताया है कि फाइनल ईयर के एग्जाम 1 जून की जगह दोस्तों 7 जून से होने वाले हैं और जो ये एग्जाम है वो आपके ओपन बुक एग्जाम के रूप में होंगे और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं दोस्तों उनके एग्जाम है वो नहीं किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, पिछले साल की तरह वो उन्हें प्रमोट किया जाएगा। कोविड की वजह से पिछले साल भी सिर्फ फाइनल ईयर के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर के लिए भी असाइनमेंट पर आधारित मूल्यांकन रखा गया था। एग्जाम कैंसिल कराने की मांग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो डुट्टा है और कई स्टूडेंट ग्रुप है उन्होंने DU के एग्जामिनेशन ब्रांच को भी लिखा था। डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर रावत कहते हैं कि फाइनल ईयर के एग्जाम तो है वो कैंसिल करने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि जो फाइनल ईयर का रिजल्ट होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। जॉब के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए जो है दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना है तो यही है वो मायने रखता है। और ये आप देख सकते हैं, DU है वो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन करवा रहा है और जो 97% विद्यार्थी है वो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए राजी भी है। जो बाकी के दोस्तों 3% विद्यार्थी है जो डिवाइस की कारण या फिर दोस्तों संसाधनों की अपलब्धता या ग्रामीण क्षेत्रों में नेट की कमी के कारण नहीं दे पाते हैं, उनके लिए बाद में दोस्तों हैं वो एग्ज़ाम DU है वो कंडक्ट करवा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रही है कि जो फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम 1 जून की जगह अब 7 जून से ऑनलाइन ओपन बुक मोड से करवाए जाएंगे और जो बाकी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें है वो असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम के आधार पर ही है वो पिछले वर्ष की तरह बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस न्यूज़ की दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। अन्य विश्वविद्यालय या कॉलेज से भी कोई जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद।